This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासर अथवा बृहस्पतिवासर कार्तिक कृष्ण तृतीय दिनांक 3 डिसेंबर 2020 माधव निदान मधुकोष्टिका प्रथम सूत्र शंखं चक्रं जलं कान्दधतमृतकटं चारु दौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छातिरित्यांशुक परिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालां भोदोज्ज्वलांगं कटितट विलसत् चारु पीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिल गदवन प्रौढदावाभिलीनं प्रौढदावाभिलीनं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको दृशक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रथमोऽद्य सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं तु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् जगच्छब्देन उत्पत्तिमन्तः क्षित्यादयः अभिधीयन्ते तेषाम् उत्पत्तौ स्वकारणसमवाये स्थितौ कतिचित् कालावस्थाने संहारे प्रध्वंसे कारणं कर्ता। तो जगत उत्पत्ति स्थिति संहार कारणम ये जो मूल श्लोक है उसके आधार पर जगत यानी कि जो भी उत्पन्न होने वाले भाव है वो जगत शब्द से लिए गए हैं तो पृथ्वी वगैरह से भी इसमें आ जाएंगे। तेषाम उत्पत्तो स्वकारण समवाय यत् समवेतं कार्यम् उत्पद्यते तत् समवाय कारणं यथा तद्वा पटस्य पटश्च स्वगत रूपादेः। तो समवाय कारण हमेशा द्रव्य ही होता है। तो ये पृथ्वी वगैरह जो चार महाभूत इस प्रकार के हैं वो इनके परमाणु वगैरह ये उनसे उत्पन्न वाला होने वाले कार्य स्वरूप भाव इनका कारण शिव इस प्रकार का है। स्थितो कतिचित कालावस्थाने और ये जो जगत है उसकी स्थिति ये भी शिव के ऊपर इस प्रकार के निर्भर है। संहारे प्रध्वंस है और उसका नाश भी शिव के अधीन है। तो इन सभी का कर्ता जगत उत्पत्ति स्थिति संहार इन सभी का कारण इन सभी का कर्ता जो शिव स्वर्ग सुखम अपवर्गो मोक्ष स्वर्ग यानी कि सुख और अपवर्ग यानी कि मोक्ष। स्वर्ग एक संकल्पना है कि जहाँ कोई दुख इस प्रकार का नहीं सिर्फ आनंद ही आनंद इस प्रकार का है। और अगर हम अच्छा काम करते हैं पुण्य कर्म करते हैं तो हमें स्वर्ग मिलता है, बुरे कर्म करेंगे तो नरक मिलेगा। और इसके जरिए पाप कर्मों से निवृत्ति और पुण्य कर्मों में रुचि बढ़ती है, ये एक अहम चीज उसकी है। और इन सभी से छुटकारा पाना ये मोक्ष है, अपवर्ग इस प्रकार का है। ये योग सूत्र की लिंक एक्सपायर हो चुकी थी इसलिए वो नई लिंक अभी बनी है, विलोब ने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाली है। तो अगले सोमवार और बुधवार दिन से ये योग सूत्र वाचन शुरू होगा। अत्यंतिक दुख निवृत्ति लक्षण तो योगे मोक्ष च सर्वासां वेदनानां अवर्तनम् मोक्षे निवृत्ति निशेषा। तो किसी भी सब प्रकार की संवेदना नहीं रहे जब हम आत्मस्वरूप हो जाते हैं
तो कोई किसी चीज का ज्ञान होना वगैरह वगैरह ये सभी बातें रहती ही नहीं है इस प्रकार से। तो आत्यंतिक दुख निवृत्ति लक्षण, जिसमें आत्यंतिक दुख की अत्यंतिक निवृत्ति इस प्रकार के है, फिर से वो उभरने वाली नहीं है, वो मोक्ष इस प्रकार का है। तयोर द्वारम उपायम प्रधान कारण, तो उसका द्वार यानी कि उसका उपाय, उसका प्रधान कारण क्या है? तो शिव इस प्रकार की देवता है। तो इस प्रकार से त्रैलोक्य शरण जो 4 बजे सोमवार और बुधवार दोपहर 4 बजे योग सूत्र का वाचन होगा। अभी फिलहाल स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि 11 बजे क्लिनिक शुरू करते हैं तो कम से 3 साढ़े 3 बजे बच जाते हैं क्लिनिक समाप्त करने तक, और पूरा अवसर ही नहीं रहता कि थोड़ा विश्राम लेके योग सूत्र का पठन करें। इसलिए 3:30 से वो 4 तक कर दिया है, देखते हैं कैसा होता है। एतेन सकल पुरुषार्थ हेतुत्व मुक्तम, सुखावाप्ति दुख हानि व्यतिरिक्तस्य पुरुषार्थस्य अभावः। तो इससे सकल पुरुषार्थ हेतु बताया गया, जगत उत्पत्ति स्थिति संहार कारणम स्वर्गापौर्वगेय और द्वारम, इन दोनों चीजों से सभी जो पुरुषार्थ है, वास्तविक में पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष है, तो मोक्ष चरम पुरुषार्थ इस प्रकार का है। तो उसका हेतु शिवा है, और सुखावाप्ति दुख हानि, सुख की प्राप्ति होना और दुख नष्ट हो जाना, इसके व्यतिरिक्त तो कोई पुरुषार्थ रहता ही नहीं है। सुखा दुख हानि व्यतिरिक्त से पुरुषार्थ से अभाव, तो सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति इसके व्यतिरिक्त कोई पुरुषार्थ नहीं होता है, इसीलिए सकल पुरुषार्थ इसमें समा गया। और सकल पुरुषार्थ की अगर इसमें से प्राप्ति हो जाती है तो और क्या चाहिए, हमारा जीवन इस प्रकार में सफल इस प्रकार का हो जाएगा, ये एक महत्वपूर्ण है। अतएव त्रैलोक्य शरण त्रैलोक्य रक्षा, और इसीलिए जो त्रैलोक्य शरण है त्रैलोक्य का रक्षण करता है इस प्रकार का है। त्रिलोक में सभी लोग जिसको, सभी जीव जिसको शरण में, जिसके शरण में जाते हैं। न च उक्त जगत स्थिति कारणत्वेन पौरः पौनरुत्यम जगत शब्देन उत्पत्ति मतां एव अभिधाना, तो रक्षितार जो है तो जगत स्थिति कारण इस प्रकार का तो बताया ही गया है, तो पौनरुक्त हो गया ऐसा मत बोलो। जगत शब्द ने उत्पत्ति मतान एवं अभिधाना, जगत शब्द से जो उत्पत्तिमान भाव है उन्हीं के बारे में जिक्र किया है, और वैसे जो जगत उत्पन्न नहीं हुआ है वह, या इस जगत का मूल कर्ता परमेश्वर वगैरह वगैरह जो है, उसके हिसाब से ये त्रैलोक्य शरण इस प्रकार से बताया गया होगा। वास्तव में ऐसा है कि त्रैलोक्य शरण का मतलब त्रिलोक जिसको शरण जाता है वो त्रैलोक्य शरण, इन्हीं लोगों से जो भी जीव है वो जिसके शरण में जाते हैं वो त्रैलोक्य शरण इस प्रकार का। तो ये रक्षितार अर्थ क्यों किया मालूम नहीं। नच उक्त जगत स्थिति कारणत्वेन पौनरुक्तम जगत शब्देन उत्पत्ति मतामेव अभिधाना, अत्र तु त्रैलोक्य शब्दो भुवन त्रयवर्ती चेतन अचेतन समूहवाची लोक शब्द से भुवन जनयोः अभिधायक। तो त्रैलोक्य शब्द यहाँ जो है वो भुवन त्रयवर्ती चेतन अचेतन समूहवाची, तीन ही भुवनों में होने वाले चेतन यानी कि जीव सजीव और अचेतन निर्जीव, इन दोनों के समूहों का वाचक इस प्रकार का। तो ये भी सभी जो अचेतन है वो भी त्रैलोक्य शरण है। वास्तव में सेन्द्रियम चेतनं द्रव्यम इंद्रियम अचेतनं, जो भी इंद्रिय है वो चेतन द्रव्य है, जो इंद्रिय है वो अचेतन है। तो वो किसी को शरण जाए या ऐसी कोई स्थिति नहीं रहती, लेकिन हमारे हिसाब में परमात्मा तत्व सभी में है इस प्रकार से, और इसीलिए ज्ञानेश्वर भित्ति को चला सके।
वो तो निर्जीव इस प्रकार की है। तो दूसरे किसी की सहायता से उसमें चैतन्य अगर आता है तो भी वो त्रैलोक की शरण इस प्रकार का होगा, ऐसा थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। लोक शब्द से भुवन जन यो अभिधायक, लोक ये शब्द भुवन और जन इन दोनों को दोनों अर्थों से प्रचलन में आता है। तो एक लोक का भुवन ये भी अर्थ होगा और एक लोक का अर्थ लोग इस प्रकार का होगा, जन इस प्रकार का होगा, और सभी जीव ये त्रिलोक के शरण इस प्रकार के हैं। तथा तो हमारा लोकस्तु भुवने जन, तो अमरकोश में लोक ये भुवन और जन इन दोनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। त्रैलोक के मिति स्वार्थे श्य चातुर्वर्ण्यवत, तो त्रिलोक शब्द से श्य प्रत्यय जो कि तद्धित प्रत्यय है, अच्छयणिति ये एक दूसरा सूत्र है, तो ये इत है, श्य इसमें य इत है, तो अगर ऐसा होता है तो पहले स्वर की वृद्धि होती है, तो त्रि से त्रय हो गया। वृद्धिराद ऐच, आत और ऐच ये वृद्धि है, ऐ औच तो ऐ ये इससे उत्पन्न हुआ, तो ई से ऐ हो गया, इसलिए वो त्रैलोक्य चातुर्वर्ण्य, चतुर्वर्ण और चातुर्वर्ण्य, तो च का चा हो गया और ये वृद्धि हो गई, आ जैसा आ ऐ औ ये वृद्धिवाचक इस प्रकार के हैं। हरादि पर्यायान परित्यज्य शुभपद निर्देशेन ग्रंथस्य तदर्थं तदर्थि तृणां च सकल कल्याणं अभिदर्शन शिवपदं निबद्धवान। तो ये शिव शब्द का प्रयोग क्यों किया, या बाकी भी शंकर के पर्याय जैसे कि हर ये पर्याय है, तो उनको छोड़कर शिवपद ये निर्देश इसके लिए किया कि ग्रंथस्य तदत्त अध्यतृणांच, तो ग्रंथ और जो उनको पढ़ने वाले हैं सकल कल्याणम अभिलषन, उनके सभी कल्याण को शिवपदम निबद्धवान, इसलिए शिवपद का वहां पे निर्देश किया। शिव कारित्वेन महेश्वर से शिवपदाभिधान, वो कल्याण करने वाला है इसलिए उसको शिव ये संज्ञा है, तो उसी शब्द से यहाँ पे प्रयोग किया गया है, तो ये बढ़िया है कि ग्रंथ और वो पढ़ने वाले सभी का इसमें कल्याण इस प्रकार का हो जाएगा। आतंक दर्पण व्याख्या वाचस्पति वैद्य कृता, ये मैंने भी पढ़ी नहीं है, यहाँ पे एक ही सूत्र में मैंने पढ़ी थी। तुलसी कुसुमम दधत्तमाल प्रतिमम बल्लवी गोपमाल सक्तम किमपि त्रिभवैक मूल कंदन परमानंदम अहम महस्मरामि। श्री हमीर नरेश्वरः समभवत् प्रौढ़ प्रतापान ज्वाला जाल कराल दग्ध पवन प्राकार शुष्केन्द्रनः यस्य प्रौढ़ सभा सभांगणेष्वपि यशस्वरलोक कल्लोलिनी कल्लोलामलमंगना सुमनसां गायन्ति रोमांचिताः प्रत्यर्थिक्षितिनाथ सार्थ वनिता वयन वैधव्य दीक्षा गुरो शौर्यम यस्य रणांगणे सुरगणे पश्यन् सुराणां पतिः लब्ध्वा नेत्र सहस्त्रजं फलमलं स्मृत्वा निजाभ्यर्थितं रामं रावण घातिनं च समभूत तुष्टो विलक्षक पुनः तस्याहु भवत वैद्यवर प्रभुति विश्वास पात्रम विदितश्चरित्रैः प्रमोदनामा सकल प्रमोदी कला विलासैक निधिर विजेन्द्रः ज्येष्ठो भवत तस्य सुतः प्रशस्त शास्त्रार्थ वेत्ता शिवसत्त चेताः रैषर्म नामा प्रथितः कलाभिर्महन् मदक्षोणिपतेः सभायाम् अन्यश्च तस्यास्य तुतः कनीयान् वाचस्पतिस्सत्त्वगुणैकसङ्गः
सहोदर प्रीततमः समस्ता यो वैद्य विद्या स्वयमद्य जीगपत एक बार पढ़ लेते हैं। गुरुवचन विचारैश चारु चंचत चरित्र स्वरक चतुरचेता सुश्रुते सुश्रुतो यः कपिल मत वयस्ये ब्रह्म विद्या रहस्ये प्रकटित पटु बुद्धिर् बुद्धिकाणाद सिद्धि तेनोज्ज्वला विवृति कल्पतियां हिताय संबध्यते विबुध माधव संग्रहस्य विज्ञाय तार्किक वरैक विचार वेद्यं वैषण्य गुंथन वशान मदकोश बंधम। सो ये जो वाचस्पति है जिसके द्वारा ये टीका लिखी गई आतंक दर्पण, उसका इतिहास बताना चाहते हैं। वो किस कुल में उसका जन्म हुआ? तुलसी कुसुम दधत तमाल प्रतिमम बल्लवी को गोपबाल सक्तम किमपि त्रिभुवैक मूल कंदन परमानंदम अहम महस्मरा। तो मह का अर्थ तेज है, परमानंदम महा अहम स्मरामि, जो परम आनंद का विधान है, परम आनंद है इस प्रकार का तेज, उसका मैं स्मरण करता हूं। तो किमपि त्रिभुवैक मूल कंदम, तो त्रिभव तीन लोगों का निर्माण जिस एक मूल कंद से हुआ है, इस प्रकार का वो परमानंद रूप तेज, उसका मैं स्मरण करता हूं, ऐसा है। और वो कैसा है? बल्लवी गोपा बल गोपा गोपबाल सक्तम, गोपबाल ये गोप का बाल इस प्रकार का शायद कृष्ण की तरफ निर्देश है। और बल्लवी तुलसी कुसुमम दधत तमाल प्रतिमम, तो तुलसी का कुसुम धारण करने वाला, तुलसी का कुसुम क्यों लिया है? तुलसी पत्र जहां तक ज्यादातर आता है, और तमाल प्रतिमम, तमाल जैसा जो दिखने वाला है, बल्लवी गोपा गोपबाल सक्तम, हाँ इसका अर्थ लगाना काफी मुश्किल है। बल्लवी गोप बाल सक्तम, बाल का एक अर्थ केश ये भी है, और बाल बालक ये भी होगा। हाँ, तो उस जो त्रिभुवन को निर्माण करने वाला एक परमानंद रूपी मूल कंद, उस रूप उस तेज है, उसको मैं स्मरण करता हूं। श्री हम्मीर नरेश्वर, हम्मीर नाम का एक राजा, समभवत प्रौढ़ प्रतापानल प्रौढ़
प्रौढ़ प्रताप अनल ज्वाला जाल करात कराल दग्ध पवन प्रागभार शुष्केन्द्र। सो उसके प्रताप रूपी अग्नि की ज्वाला उसके जाल के कराल या भीषण होने के कारण दग्ध पवन प्रागभार शुष्केन्द्र। तो सूखा हुआ जो ईंधन है वो सब जल गया है। ये पवन शब्द बीच में बल्लवी म्हणजे गवळी। ओके फाइन। बल्लवी गोप बाल बलवान जो गोपों को प्रिय। गिरवान कोश। ओके। बल्लवी ये शब्द मैंने पहली बार सुना। ओके okay। लेकिन फिर भी बाल सक्त ये मुश्किल है थोड़ा सा। और बल्लवी और गोप गोपालन करने वाला गौड़ी और गोप ये दोनों समानार्थी हो गए। बलवान हाँ और गोप बाल सक्त गोपों को प्रिय। या बलवान इस प्रकार का जो गोप बाल कृष्ण उससे सक्त ये तेज उसके संबंधी ये तेज प्रिय कहना मुश्किल है। उसके संबंधी ये केश तेज इस प्रकार का। तो हम्मीर नाम का राजा प्रौढ़ प्रतापानल ज्वाला जल ज्वाला जाल कराल दग्ध पवन। ये पवन शब्द क्यों आया? ये प्राग्भार शुष्केन्द्र यस्य प्रौढ़ सभांगणे श्वपि यशक स्वर्लोक कल्लोलिनी कल्लोलामलम अंगना सुमनसां गायन्ति रोमांचिता। तो उसके प्रताप रूपी अग्नि की ज्वाला ज्वाला जाल से कराल दग्ध पवन प्राग्भार शुष्केन्द्र। जो शुष्क इस प्रकार का गंधन ईंधन है वो सभी शुष्क इस प्रकार का हो गया है दग्ध हो गया है दग्ध और शुष्क। फिर भी ये प्रागभार और पवन ये दो शब्दों का अर्थ लगाना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। और उसके प्रौढ़ सभांगण में यशस्वरलोक कल्लो किन कल्लोलिनी कलोला कल्लोला मलम तो अंगनाहा रोमांचिताहा अंगनाहा सुमनसां गायन्ति यशः। उसका जो यश है वो स्त्रियां गाती रहती है और रोमांचित इस प्रकार की। स्वर्लोक कल्लोलिनी कल्लोला मलम यशः। तो स्वर्गलोक जो है उसमें कल्लोल जिस जिससे क्या बोलेंगे कोलाहल जिसमें बच्चा मचा है उस प्रकार का कल्लोला मलम मलम कल्लोला मलम कल्लोला मलम। तो ये शायद देवांगनाएं हैं क्योंकि स्वर्गलोक में वो रोमांचित तो हो गई है इसके यश को देखते हुए इस प्रकार से। और बहुत अच्छे मन से उसके यश की
कीर्ति गाते रहते हैं जिसके प्रौढ़ सभांगण में। प्रत्यर्थी क्षितिनाथ सार्थ वनिता वैधव्य दीक्षा गुरो शौर्यम यस्य रणांगणे सुरगणे कश्यम सुराणां पति लब्ध्वा नेत्र सहस्रजम फलमलम स्मृत्वा निजाभ्यर्थितम रामम रावण घातिनम च समभूत तुष्टो विलक्षक पुनः। यस्य शौर्यं रणांगणे सुरगणे ही सुराणां पति ही सुरगणे ही पश्यन्। तो जिसका शौर्य रणांगण में दलों के साथ देखने वाला सुराणां पति यानी कि इंद्र लब्ध्वा नेत्र सहसर्जम फलम, तो उसको लगा कि मैंने हम मेरे सहस्त्र नेत्र का फल प्राप्त किया, इतने सारे नेत्रों से मैं इसका यश देख रहा हूं। इस प्रकार के अलम स्मृतवा निराभ्यर्थितम, और फिर रामम रावण घातिनम, उसको लगा कि जैसे कि ये राम ही है जिसने रावण का वध किया है। निराभ्यर्थितम रामम, तो अभ्यर्थित ये शायद उसने जिसकी पूजा की है राम की विष्णु की इस प्रकार से, या जिसकी प्रार्थना की है कामना की है उसका स्मरण उसको हो जाए। समभूत तुष्टो विलक्षक पुनः, और ये बहुत संतुष्ट इस प्रकार का और विलक्ष इस प्रकार का हो गया। तस्या भवत वैद्यवरः प्रभुति विश्वास पात्रम विदितश्चरित्रे प्रमोद नामा सकल प्रमोदी कला विलासैक निधि द्विजेंद्रः। तो उसका एक वैद्यवर था प्रभुत विश्वास पात्र चरित्रे ही विदितः, प्रमोद उसका नाम था, सकल प्रमोदी सभी लोगों को आनंद देने वाला कला विलासैक निधि द्विजेंद्रः। और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कला विलासैक निधि, कला विलास यही उसका निधि साठा ये धन है इस प्रकार। वो एक पंक्ति मैंने छोड़ दी थी, प्रत्यर्थ शिक्षिति नाथ सार्थ वनिता वैदव्य दीक्षा गुरो हो तस्यस्य, तो यस्य का विशेषण है। प्रत्यर्थ शिक्षिति नाथ सार्थ वनिता वैदव्य दीक्षा, दीक्षा गुरु ये दीक्षा देने वाला है वो दीक्षा गुरु कहता कहलाता है। वनिता वैधव्य तो स्त्रियों का वैधव्य देने वाला गुरु, क्षितिनाथ इज राजा, प्रत्यर्थी क्षितिनाथ सार्थ वनिता वैधव्य दीक्षा गुरो हो। प्रत्यर्थी क्षितिनाथ तो शायद ये थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि उसके प्रति जो कुछ मांगने वाले अर्थी, उसके प्रति जो अर्थी क्षितिनाथ यानी कि राजा, उसकी वनिता सार्थ वनिता उनको वैधव्य दीक्षा देने वाला गुरु, तो इसका कोई शत्रु जिंदा नहीं रहा है, सभी मर चुके हैं और उनकी पत्नी वैधव्य उनको वैधव्य की दीक्षा दी गई है इस प्रकार से। तो इतना प्रतापी है कि कोई दूसरा राजा रहा ही नहीं है इस प्रकार से। और इस प्रकार के
उस राजा का शौर्य रणांगणे सुरगणे ही पश्यन्, सुराणां पति लब्धा नेत्र सहसर्जुम फलम अलम स्मृत्वा निजाभ्यर्थी था। तो ये देखकर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए, अपने देवोगण के साथ उन्होंने ये सब प्रताप देखा उसका, और मेरे सहस्र नेत्रों का फल मुझे मिल गया, ऐसा उसके उसको प्रतीत इस प्रकार का हुआ। वनिता वैधव्य कसे, इसमें थोड़ा सा ऐसा है कि जो राजा उसके साथ लड़ेंगे और मर जाएंगे उनकी वनिता को वैधव्य प्राप्त होगा। तो ये वैधव्य देने वाला, वैधव्य की दीक्षा देने वाला ये गुरु है इस प्रकार का। लेकिन थोड़ा ऐसा लगता है कि ये ज्यादा अच्छा संस्कृत पांडित्य नहीं है, इस प्रकार की बात नहीं की जाती कि ये राजाओं को, दूसरे राजाओं को उसने मार मार दिया, ये तो ठीक है, लेकिन वैधव्य दीक्षा दे दी, ये थोड़ा अजीब तरीके का है। छठ नाक लोक ललना भी रविर कर रतम ऋणम ससे तेन वह सिमदमित वदत ऋणरागिणम रमणम ईर्ष्या परा। शिशुपाल वध में मेरे ख्याल में 15वां सर्ग है शायद। तो शिशुपाल पक्ष के पक्ष में जो राजा है या जो उनके सैनिक है, उस एक सैनिक की पत्नी उसको कहती है कि तुम स्वर्गलोक में जाकर वहां के जो अंगनाएं है उनसे रत होना चाहते हो इस प्रकार से, और इसीलिए तुम आनंदी हो अभी युद्ध पर जाते समय भी इस प्रकार। तेन वह सी मुदम इत्यवदत् रणरागिणम रमणम ईर्ष्या परा। तो ये रणरागी इस प्रकार का रमण है, तो इसमें ये सूचित होता है कि ये मरने वाला है और उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, होने वाली है इस प्रकार से। तो शिशुपाल के लिए अशुभ है, और आपात तथा देखते हुए तो अच्छी चीज है कि स्वर्गलोक में जाकर वहां के देवांगनाओं के साथ या अप्सराओं इनके साथ तुम ब्रह्मा होना चाहते हो वगैरह वगैरह इस प्रकार से। फिर भी वहां भी वैधव्य का सूचन है, लेकिन वो इस प्रकार से नहीं है। तो शिशुपाल वध माघ की रचना इस प्रकार के, माघ कवि की रचना है। हाँ, तो रामम रावण घातिनम समभूत घातिनम च समभूत तुष्टो विलक्षक पुनः। तो उसका एक वैद्यवर प्रभूत विश्वास पात्र चरित्र ही विदिता प्रमोद नाम, वो प्रमोद नाम का सकल प्रमोदी कला विलास एक निधि विजेंद्र और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ इस प्रकार का था। ज्येष्ठो भवत तस्य सुतः, उसका एक ज्येष्ठ पुत्र था प्रशस्त शास्त्रार्थ वेत्ता शिवसत्त चेता, सभी प्रशस्त शास्त्र जानने वाला शिवसत्त चेत इस प्रकार का रैशर्म नामा प्रतिता। तो ये उसका नाम रैशर्म इस प्रकार का था। कलाभिर महद मदक्षोणिपते है सभायाम, और उसके कलाओं के जरिए वो जो क्षोणिपति ये जो राजा है उसकी सभा में विराजमान इस प्रकार का था। अन्यश्च तस्या सिद्ध कनिया, उसका कनिष्ठ पुत्र वाचस्पति सत्व गुणे के संघा, वो सत्व गुणों तो से जुड़ा हुआ सहोदर प्रीततमः, और उसका जो भाई है उसका वो प्रीततम उसका बहुत प्रिय था। समस्ता यो वेद विद्या स्वयं अध्यजगीषत अध्यजी अध्यजी गशत, एक प नहीं होना है श होना चाहिए। तो सबकल वैद्य विद्या उसने बहुत अच्छी तरीके से सीख ली थी। गुरु वचन विचार आई ही चारु चं चरित्र चरक चतुर चेता सुश्रुते सुश्रुतो यहा कपिल मत वयस्य ब्रह्म विद्या रहस्य प्रकटित पटु बुद्धिर बुद्धि काणाद सिद्धि। तो गुरु वचनों के विचारों से चारु चंचक चरित्र चरित्र हाँ चंचत, तो जिसका चारु यानी कि रमणीय इस प्रकार का चरित्र है। चरक चरु चतुर चेता,
चरक के अध्ययन के जरिए जिसका मन चतुर इस प्रकार कहा गया है, सुश्रुते सुश्रुतो यहाँ, और जिसने सुश्रुत को भली भांति सुन लिया है। कपिलमत वयस्ये ब्रह्म विद्या रहस्य। तो ये कपिल ये सांख्य के बारे में है, तो जिससे ब्रह्म विद्या रहस्य उसने जान लिया है। वयस्य का मतलब मित्र होता है, फिर भी कपिल मतलब वयस्य, थोड़ा अर्थ लगाना मुश्किल है। प्रकटित पटु बुद्धि बुद्धि का अनाद सिद्धि, जिसकी पटु बुद्धि प्रकटित हो गई है, कुशल बुद्धि प्रकटित हो गई है, इस प्रकार बुद्धि का अनाद सिद्धि, बुद्ध का अनाद सिद्धि, बुद्ध और कणाद इनके जैसे सिद्धि जिसको प्राप्त है, इस प्रकार की बुद्धि प्रकटित पटु बुद्धि, वो बुद्धि प्रकटित इस प्रकार की हो गई है। तेनोज्वला विवृति ध्यान हिताय संबद्धते विबुधमाध संगरमाध वसंग्रहस्य विज्ञाय तार्किक वरैक विचार वेद्यम वैषम्य गुंफन वशान मधुकोश वृद्धम। ये मधुकोश टीका है वाचस्पति की, नहीं, ये मधुकोश ये माधव निदान के बारे में होगा, नहीं तो तो अल्पधयान हिताय, जिनकी बुद्धि कम है उनके हित के लिए उज्ज्वला विवृति, उसका जो विवरण है उज्ज्वल इस प्रकार का किया गया है। संबद्धते विदु विबुध माधव संग्रहस्य, तो विबुध इस प्रकार का जो माधव है उसका जो ये संग्रह है संकलन है वो उससे संबद्ध इस प्रकार की हो जाती है। विज्ञाय तार्किक वरैक विचार वेद्य, तो तार्किक वरैक विचार वैद्य, विचार वैद्य तार्किक वर तार्किकों में श्रेष्ठ इस प्रकार का एक विचार, या तार्किक एक ही विचार वेद्य उसके द्वारा समझ में आने वाला। वैषम्य गुंफन वशान मधुकोश वृद्धम, और चित्र विचित्र तरीके से गुंफन उसका किया गया है और ये मधुकोश बंध इस प्रकार का है। तो मधुकोश बंध जो है वो मधुमक्खी जब ये कोश निर्माण करती है पोड़ मधाचा पोड़, तो ये एक अजब तरीका है जो जिस तरीके से वो काम करती है और उसका निर्माण करती है। तो उसी प्रकार तार्किक वरई का विचार वेद्य कि तार्किक श्रेष्ठ इस प्रकार के एक विचार से जानने जाने वाला जानना जाने वाला इस प्रकार का ये मधुकोश बंध है। और उज्ज्वला विवृति उसके कारण उसका विवरण बहुत स्पष्ट रूप से हो गया है। अल्प ध्यान हिताय, और जो अल्प बुद्धि वाले वैद्य हैं उनके लिए हित इस प्रकार का हो रहेगा। तत्र ग्रंथारंभे प्रारब्ध ग्रंथ परिसमाप्त्यर्थं ग्रंथ श्रोतृणां प्रत्यो व्यो विदासार्थं शिष्टाचार परिपालनार्थं ग्रंथकारा प्राग विशिष्ट इष्ट देवता प्रणाम निबद्धवान प्रणम्य इत्यादि। तो ग्रंथ के आरंभ में प्रारब्ध ग्रंथ परिसमाप्त अर्थम, जो ग्रंथ शुरू करने जा रहे हैं उसकी ठीक तरीके से परिसमाप्ति हो। ग्रंथ श्रोतृणाम प्रत्यो व्यो विदासार्थ, और जो सुनने वाले हैं उनमें जो प्रत्यवाय इस प्रकार के जो व्यूह उनका विदास उनका निराकरण होने के लिए, तो उनमें कोई प्रत्यवाय बाधा ये न हो इसलिए शिष्टाचार परिपालनार्थम। और जो शिष्टाचार है कि शुरू में इस प्रकार से मंगल करना उसके परिपालन के लिए ग्रंथ देवता प्राग विशिष्ट इष्ट देवता प्रणामम, तो पहले विशिष्ट और इष्ट इस प्रकार का देवता का प्रणाम उसको नमन निबद्धवान प्रणम्य इत्यादि युग्मम युग्मम
मया रोग विनिश्चयो ग्रंथो निबध्यते इति संबंधः किं कृत्वा प्रणम्य। युग्म का अर्थ नहीं समझ में आया। युग्म यानी कि जोड़ी। तो मया रोग विनिश्चय ग्रंथा निबध्यते, तो मैं मेरे द्वारा ये रोग विनिश्चय ग्रंथ का निबंधन हो रहा है। किं कृत्वा प्रणम्य, क्या करके, तो प्रणाम करके। अत्र प्रकर्षार्थ द्योतके न प्रशब्दे न ग्रंथकृत भक्ति तिशय स्वयं ख्यापये। तो जैसे कि ये उपसर्ग प्र उपसर्ग लगा है तो प्रकर्ष अर्थ द्योतक, ये प्रकर्ष अर्थ सूचित करने वाला, और ग्रंथकृत भक्तिशय कि उसका बहुत ही उसकी बहुत ही भक्ति है, ये दिखाने के लिए ये दिखाता है इस प्रकार। कम शिवम सकल भुवन पते है महेश्वर से नाम बाहुल्येपि तदध्यापका धेतॄणाम कल्याणम अभिलषन ग्रंथकारा शिव पदम जगतवान। तो ये सकल भुवन पूति इस प्रकार का जो महेश्वर नाम बाहुल्येपि और उसके बहुत सारे नाम होने के बावजूद तद अध्यापक अध्येतॄणाम, तो जो पढ़ाने वाले हैं और जो पढ़ने वाले हैं, कल्याण अभिलषन तो उनका कल्याण हो इस इच्छा से ग्रंथकार शिव पदम जगतवान। तो शिव शब्द का प्रयोग किया, बाकी उसके जो पर्याय है वो नहीं लिखे गए। कीदृशम शिवम जगत उत्पत्ति स्थिति संहार कारण, जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार इसका कारण जो शिव है। जगत शब्द उत्पत्ति बनता है पृथ्व्यादयो अभिधीयते तेषा उत्पत्तो स्व कारण समवाय स्थित कतिचित कालावस्था ने संहार संवरणे कारण हेतु। ये तो ऊपर वाला देश ही है। पुनः कीदृशम स्वर्गापवर्ग और द्वार स्वर्ग सुखम अपवर्ग मोक्षा तयोर द्वार उपाय प्रधान कारण। पुनः कीदृशम त्रैलोक्य शरण भुवन त्रय से रक्षितारम। हाँ, तो इन दोनों टीकाओं में कुछ अंतर नहीं है। नाना मुनीनाम वचनैरिदानीं समासतस्सद्भिषजां नियोगात् सोपत्रवारिष्ठ निदान लिंगो निबध्यते रोग विनिश्चयोऽयम्। युग्मम का अर्थ ये दोनों श्लोक मिला के श्लोक बना, तो इसलिए युग्मम ये बताया गया होगा। सो प्रणम्य, इस प्रकार के शिव को नमन करते हुए मैं इस ग्रंथ का रोग विनिश्चय नाम ग्रंथ का निर्माण कर रहा हूं। किस तरीके से, तो नाना मुनि नाम वचन ही, नाना मुनियों के वचनों के द्वारा इदानीम समासतः सद्भिषजान नियोगा, संक्षेप में समासतः सद्भिषजान नियोगा, जो अच्छे वैद्य है उनके नियोग से। तो नियोग का एक अर्थ आज्ञा भी होता है आज्ञा भी होता है, और उनके कहने पे ये मैं कर रहा हूँ। सोपत्र वरिष्ठ निदान लिंग, तो ये रोग विनिश्चय कैसा है, तो उपद्रव अरिष्ट निदान और लिंग इन सभी के साथ मया रोग आयम यो रोग विनिश्चय निबद्ध थे कि मैं इस प्रकार के रोग विनिश्चय को निबंधन कर रहा हूँ, उसको लिख रहा हूँ। नाना तंत्र विहीनानां विषयानां अल्पमेधसां सुखं विज्ञातुम् आतंकम् अयमेव भविष्यति। तो जो नाना तंत्र विहीन इस प्रकार के वैद्य है जिनके पास सभी ग्रंथ नहीं है या है भी है और उनको समझने की पात्रता नहीं है, योग्यता इस प्रकार की नहीं है, अल्प मेधस इस प्रकार के है, तो सुखम विज्ञातुम आतंकम, रोग का सुख से ज्ञान होने के लिए एमेव भविष्यति कारण भविष्यति। तो यही ग्रंथ रोगों के रोगों का ज्ञान बड़ी सुलभ रीति से होने के लिए कारण होगा, यही ग्रंथ होगा, अयम एव भविष्यति, यही ग्रंथ उनके रोग के ज्ञान के लिए बड़ा अच्छा साधन सुलभ साधन इस प्रकार का बने। अभिधेय संबंध प्रयोजनोपदेश अंतरेण प्रेक्षावता न प्रवृत्ति सैदी अतः तद अभिधानार्थम श्लोक द्वय माह नाना इत्यादि। ये देखो थोड़ा फर्क कैसा है, ये दो श्लोक है ये इन्होंने एक साथ ले लिए,
विजय रक्षित ने और मधुकोश व्याख्या में, और जो आतंक दर्पण टीका है उसने पहला और दूसरा श्लोक लिया, तीसरा अलग किया इस प्रकार से। ठीक है, तो अभिधेय संबंध प्रयोजन, अभिधेय क्या है, वाच्य क्या है, वाच्य और वाचक ग्रंथ का और अभिधेय का संबंध क्या है और प्रयोजन क्या है, ये बताने के बगैर प्रेक्षावतान्न प्रवृत्ति, जो देखने वाले लोग हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनकी प्रवृत्ति नहीं होगी। अतः तद अभिधानार्थम श्लोकत्वेन आनायते, और इसलिए अभिधेय संबंध और प्रयोजन ये बताने के लिए ये दो श्लोक रचे गए हैं। रोगाणां विशेषेण वातजत्वादि साध्या साध्यादि रूपेण निश्चय ज्ञानम येन स रोग विनिश्चय ग्रंथो निबध्यते अभिधीयते अस्माभिः इति शेष। तो रोगों को जो विशेष है वातजत्वादि साध्या साध्यत्वादि रूप, ये वातज है पित्तज है या ये साध्य है असाध्य है, इस प्रकार से जो निश्चय ज्ञान ये न सरोग विनिश्चय, जिसके साथ जिसका जिस रोग का ज्ञान है वो रोग विनिश्चय है, तो उस ग्रंथ का हम निर्माण करने जा रहे हैं, उसका निबंधन करने जा रहे हैं अस्माभिः इति शेषा, तस्य विशेषेण सोपद्रवैत्या सह उपद्रवादि भी वर्तते ये सहा तथा इतने विशेषण द्वारेण उपद्रवादिष्ट निदान लिंग स्वरूपम अभिधेय उत्तम भवति। तो ये रोग विनिश्चय कैसा है, तो सोपद्रवादिष्ट निदान लिंग, उपद्रव अरिष्ट निदान और लिंग इनके साथ ये रोग विनिश्चय इस प्रकार का है। तो एतेन विशेषण द्वारेण उपद्रवारिष्ट निदान लिंग स्वरूपम अभिधेय उत्तम भवति, ये इसका अभिधेय है कि उपद्रव अरिष्ट निदान और लिंग स्वरूप ये अभिधेय हो गया रोग के बारे में। एतद् व्यतिरिक्तस्य अभिधेयस्य अभावः, उसके अतिरिक्त कोई भी अभिधेय वाच्य इस प्रकार का नहीं है। तथा सति उपद्रवादि भी अभिधेय सह ग्रंथस्य वाच्यवाचक लक्षण संबंधा अयम संबंधो यम अभीतः संबंधो यभीतः, मिसप्रिंट है ये। संबंधो अभीतः यह नहीं होना चाहिए, ना संबंधो यम अभीतः ऐसा तो होना चाहिए, यम होना चाहिए इधर यह नहीं होना है, नहीं तो यम होना है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये उपद्रव वगैरह जो अभिधेय है उससे ग्रंथ का वाच्यवाचक लक्षण इस प्रकार का संबंध है, तो ये वाच्य है और ग्रंथ उसका वाचक इस प्रकार का है। तत्र उपद्रव रोगारंभक दोष प्रकोप जन्य अन्य विचार उक्तं च चरके अव्याधिर उपरि यो व्याधिर भवति तत्र कालिना उपक्रमा विरोधी च स उपद्रव उच्यते इति। तो उपद्रव क्या है, रोगारंभक दोष प्रकोप जन्य अन्य विचार, रोग को आरंभ करने वाले जो दोष है उनके प्रकोप द्वारा निर्माण होने वाला अन्य विकार ये उपद्रव है। तो उपद्रव यद्यपि रोग से उत्पन्न होने वाला कहा जाता है, फिर भी वो एक्चुअली रोग निर्माण करने वाले जो दोष है उन्हीं दोषों के द्वारा निर्माण होने वाला अन्य विकार, रोग से सीधा दूसरा रोग निर्माण नहीं होता, उस रोग के जो मूलभूत तो दोष है उन दोषों के आधार पर दूसरा रोग उसमें निर्माण इस प्रकार का हो जाता है। तो व्याधि रूपी जो व्याधि बहुत उत्तर काल, एक रोग के ऊपर दूसरा रोग जो निर्माण हो जाता है उत्तर काल में पश्चात काल में, उपक्रमा विरोधी च जो उपक्रम का अविरोधी इस प्रकार का है, तो मूल रोग के चिकित्सा से ही प्रायः वो चला जाता है उपक्रम अविरोधी, और तो वही उपक्रम उस व्याधि के लिए भी उपद्रव के लिए भी लागू हो जाता है। स उपद्रव उच्चते वो उपद्रव कहा जाता है इति। नियत मरण ख्यापकम लिंगम अरिष्टम, अरिष्ट क्या है, तो नियत मरण ख्यापक लिंग निश्चित रूप से जिससे मृत्यु आने वाले इस प्रकार का ये सूचित करने वाला लक्षण ये अरिष्ट बताया जाता है। अरिष्ट अरिष्ट दोनों पर्याय शब्द है, अरिष्ट का मतलब रिष्ट से विपरीत ऐसा नहीं है, रिष्ट और अरिष्ट दोनों ही पर्याय शब्द इस प्रकार के हैं। निदानम रोगोत्पादको हेतु,
निदान जो है वो रोग निर्माण करने वाला है, तेना हेतु लिंगम रोग ख्यापको हेतु, और लिंग जो है वो रोग बताने वाला इस प्रकार का हेतु, तेना लिंग्यत लिंग्यते ज्ञायते व्याधि अनेन इति पा लिंग्यन्ते ज्ञायन्ते व्याधे अनेन इति व्युत्पत्त्या पूर्वरूप रूप उपशय संप्राप्ति संप्राप्ति विधीयन्ते, ये प्रक्षिप्त है। तो जिससे ज्ञान होता है व्याधि का वो लिंग कहलाता है, और लिंग्यन्ते ज्ञायन्ते व्याधे अनेन इस प्रकार के अगर व्युत्पत्ति हम मान लेंगे तो पूर्व रूप रूप उपशय संप्राप्ति ये सभी इसमें आ जाते हैं लिंग शब्द से। यद्यपि निदानमपि रोग विशेषम बोधयति तथा अपि उत्पत्ति ज्ञप्य हेतुत्वेन कारण द्वैविध्य प्रतिपादनार्थम तस्य पृथक विधान। तो कारण भी रोग विशेष को ज्ञात कर देता है, फिर भी उत्पत्ति और ज्ञप्ति हेतु, ये उत्पत्ति का भी कारण है और ज्ञान का भी कारण है, इसलिए कारण द्वैविध्य प्रतिपादनार्थम तस्य पृथक विधान। ये दो तरीके से कारण है ये बताने के लिए उसका अभिधान किया गया है, नहीं तो लिंग शब्द से भी निदान का ग्रहण हो जाता है, क्योंकि वो भी रोग के ज्ञान को देने वाला, रोग के ज्ञान का कारण इस प्रकार का है। लेकिन इसमें खासियत यह है कि रोग के ज्ञान का भी कारण है और रोग का भी कारण है, तो उत्पत्ति हेतु भी निदान है, इसलिए उसका पृथक अभिधान वो अलग से बताया गया। एशांच उपद्रवादी नाम विस्तराभिधानम यथावत्सरम करिष्यते, ये उपद्रव वगैरह जो है उसका विस्तर का अभिधान, उसके विस्तार पूर्वक बताने के लिए यथावसरण करिष्यति, जब जैसे जैसे मौका मिलेगा समय मिलेगा वहां पे हम करेंगे। ननु रोगादि रोग निदानादि तत्वम अति सूक्ष्मत्वेन असर्वज्ञस्य ज्ञान विषयः तत्कथं तदुपदेशे प्रेक्षावतां प्रवृत्तिरित्तताः नानामुनीनाम इत्यादि। तो रोग निदानादि तत्व जो है अति सूक्ष्म होने के कारण जो असर्वज्ञ है, जो सभी जानने वाला नहीं है, ये सर्वज्ञ ज्ञान विषय ऐसा होना चाहिए, नहीं तो न होना चाहिए बीच में कहीं। न ज्ञान विषय इति पाठ है, असर्वज्ञस्य न ज्ञान विषय, जो असर्वज्ञ है उसका ज्ञान का विषय नहीं है, जो आम लोग इस प्रकार के है, सर्वज्ञ से ज्ञान विषय ऐसा होना चाहिए, तो ये अ बीच में आ गया। हाँ, रोग निदान आदि तत्व अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म होने के कारण सर्वज्ञ असर्वज्ञ से ज्ञान विषय है अथवा सर्वज्ञ से ज्ञान विषय है, ये दोनों में से कुछ होना चाहिए। सर्वज्ञ है तो उसका ज्ञान का विषय है, असर्वज्ञ है तो उसका ज्ञान का विषय नहीं है, इस प्रकार से तत्कथम तदुपदेशे प्रेक्षावतां प्रवृत्तिरित्यतः। तो मैं ऐसा कुछ तत्वज्ञान आपको बताने जा रहा हूं, कौन विश्वास करेगा कि आप सच ही में सर्वज्ञ है? और ये सभी आजकल निदान का अर्थ डायग्नोसिस हो गया अद्यतन निदानं करिष्यामि, ये भी आगे आया है कि रोग विनिश्चय करूंगी, डायग्नोसिस ये इस अर्थ से भी प्राचीन काल में है। और निदान ये शब्द के जरिए काफी बहस होती रहती है, क्योंकि वो कारण रूप निदान है या रोग का कारण है या रोग के ज्ञान का कारण है, इन दोनों के बारे में बहस इस प्रकार की होती रहती है। मेरा थोड़ा सा सुझाव ऐसा है इस सभी के बारे में कि सेकंड ईयर में या अभी निदान रखा गया है और माधव निंदन मधुकोष टीका रखी गई है,
तो इस पठन का अगर प्रचार प्रसार हो जाए, मैं विलोपसी की बात करूंगा, लेकिन जितने सारे ग्रुप्स में माधव निदान मनोगोष्ठी का पठन आरंभ हुआ है और सेकंड ईयर के छात्रों के लिए बहुत अच्छा है, ये बात अगर फैल जाती है तो शायद छात्र इसमें हिस्सा लेंगे। तो ये लिंक और 600 रुपए उसका बरस का सब्सक्रिप्शन, ये सब लिख के एक व्हाट्सएप मैसेज सभी जगह फैला जाए, तो आने वाली पीढ़ी मूल टीका कैसी होती है, उससे आयुर्वेद किस तरीके से हम समझ पाते हैं, ये समझ पाएंगे। और शुरू में ये बहुत ज्यादा कठिन है, वैसे ही रहता है, पहले एक दो सूत्र में बहुत कठिन रहता है, पांडित्य दिखाते हैं, आगे ये इतनी कठिन नहीं रहती। और वैसे आतंक दर्पण टीका मैंने भी ज्यादा पढ़ी नहीं है, पहली बार मैं ये पहले सूत्र की टीका देख रहा हूँ, तो मेरे लिए भी दिक्कत हो रही है, तो बाकी लोगों के लिए क्या होगा ये सोचना ही पड़ेगा। तो अच्छे तरीके से अर्थ समझ लेना, और सिर्फ अर्थ समझ लेना नहीं, आयुर्वेद को समझना। हम इस टीका को पढ़ रहे हैं, वो आयुर्वेद का तत्व ज्ञान हम अच्छी तरीके से समझे इसलिए पढ़ रहे। विद्यार्थी जो रहेंगे सेकंड ईयर के, वो परीक्षार्थी रहेंगे, परीक्षा के लिए तो उपयुक्त तो होगा ही, लेकिन परीक्षा से ज्यादा पूरे आयुष्य में, पूरे आयुष में, जीवन में ये उपयुक्त इस प्रकार का। तो मेरा सुझाव है कि जितना ज्यादा उसको उसका प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों तक पहुंचे, और हिंदी में कर रहे हैं तो कोई पूरे भारत देश में जा सकता है, तो अपना अपना मैसेज बनाओ, नहीं तो विलोप भारती या सुश्रुत को मैं कहूंगा, वो एक मैसेज करके डाल देगा इसमें। और सब्सक्रिप्शन के बारे में विलोप भारतीय से बात करनी होगी, इस प्रकार का मैसेज डाल दो, वो भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ में एक हमारी टिप्पणी होनी चाहिए कि कैसे उपयुक्त है और क्यों इसको ज्वाइन करें। तो ये सिलेबस में होने के कारण छात्र आ सकते हैं इसमें, विद्यार्थी जन आ सकते हैं, और वो सभी के लिए फायदेमंद इस प्रकार का होगा। तो आज के दिन में ये काम करो, और सिर्फ करो इस प्रकार से नहीं, लोगों को प्रोत्साहित करो, जो सेकंड ईयर के छात्र वगैरह जो है उनको प्रोत्साहित करो कि इसमें ज्वाइन हो जाए, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद इस प्रकार का होगा। तो ठीक है, सिलसिला कल आगे चलता रहेगा, आज यहीं पे रुकते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतो यन् निखिल जन कृपा व्याप्त चित्ते नयेन आयुर्वेदस्य वांछन पुनरति भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनं। विरम्यते व्याख्यान व्यापार श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।